हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी एग्ज़ाम के बारे में। आपको बता दें, कुछ वीडियोस मेरे पास आए हुए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप तक शेयर कर दिया जाए और आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम की रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है। और अपना यानी जो भी राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं और आपको जानकारी मिल जाएगी संपूर्ण। ऐसा कोई है जब रियल तैयार होगा निकल जाएगा, लेकिन सर बहुत ज्यादा डिले हो रहा है हम लोग सर, इसलिए हम लोग सर डिले के बगुआ मत खावा। रेलवे में तीन तीन साल पर परीक्षा ना हो रही है, रेलवे सर मेन बात है। अभी चुनाव है, अभी नहीं रिजल्ट होगा तो गड़बड़ है। तैयार होगा था ना, उस पर आदमी लगा हुआ। बिहार बिहार से शिक्षा साल में हो रहा था, हंगामा हुआ तब रिजल्ट दिया, उसी रात दे दिया। बताइए आप क्या करना था? हम लोग कल तैयार हो रहा है, मतलब वही बताएं कितना, मतलब कि आपका दो महीना लगेगा, उसमें काहे परेशान, एक दो महीना से कम नहीं लगेगा। परेशान इसलिए कि चुनाव हो जाएगा फिर भूल जाएंगे, वो तो सरकार की बात है। हम सर आप हमको बात समझेंगे, हम आपको बात समझेंगे। बिहार में कोई भी ऐसा वैकेंसी के लेवल का बात होता है चुनाव के समय ही होता है, चुनाव बात पार करता है वो से उत्ता से हमको मतलब नहीं है। हमको उससे मतलब नहीं है क्या होगा नहीं होगा, हमको तो सर मतलब पहले सुनिए, पहले बात है। हमारा काम है परीक्षा लेना, रिजल्ट देना, बस बहाली करना सरकार काम है। हम लोग प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अभी 26 तारीख के अभी आंसर एक ही नहीं बना है, आंसर की जो 26 तारीख को जो द्वितीय परीक्षा हुआ है उसका आंसर की, रुकिए एक मिनट, 26 तारीख की परीक्षा हुआ है उसका आंसर की हम लोग अभी तैयार नहीं हुआ। आंसर की तैयार होगा जैसे हम लोग उसको विज्ञप्ति देंगे, आंसर की पर आपत्ति आएंगे, आपत्ति आने के बाद उसको आपत्ति 4-5 दिन पर आपत्ति लेंगे, आपत्ति को फिर जाँच करेंगे, आंसर की तैयार करेंगे, तब कॉपी पर मूल्यांकन होगा, तब ना रिजल्ट होगा। अभी प्रक्रिया में समय है, अभी तो आप ही लोग कोर्ट कचहरी करके हल्ला हंगामा करके दूसरा परीक्षा हुआ, तो जब तक हमारे मामला तैयार, रिजल्ट तैयार, रिजल्ट ऐसे नहीं नहीं ना हो जाएगा, कल हो गए गलती होगा आंसर की पर आपत्ति हुआ उसको पूरा छानबीन होगा। इसके पहले आप लोग जो आपत्ति दिए हैं उस सबको आपत्ति जांच करवा रहे हैं, करीब लगता है 60,000 आपत्ति आया है आंसर की पर, 60,000 पूरे जाँच में समय लगेगा ना, सब विषय विशेष लगे हुए, आंसर की जाँच होगा, आंसर की बनेगा तब को भी जाएगा तब रिजल्ट होगा। अब ऐसे बोलिएगा कि भाई सब हो जाए ऐसा बात, तो यहाँ आपका रिजल्ट अभी नहीं निकला है, तिथि खत्म हो जाएगा तो खिलौना वाला बात ना हो गया। तो सर बिहार सरकार तो खिलौने ना कर रहा है सर, आपको जानकारी नहीं है? बिहार का कोई भी काम होता है, सुनिए सर, बिहार का कोई भी काम होता है सर चुनावी समय होता है, चुनाव बाद नहीं होता। जो जो आप जानते हैं हम भी जानते हैं, आप हम लोग को मिलवा दीजिए सर। बिहार श्रीमान बिहार बोर्ड ही ऐसा बोर्ड है जो स्टूडेंट को मिलने नहीं देता, हंगामा होता है तभी रिजल्ट भी देता है। 6 साल से बिहार एक बात, एक बार आप बिहार से पहुँचाया जाए सर, हम लोग के सर यही रिक्वेस्ट आपसे है कि पूरा स्टूडेंट आ रहे हैं, हम लोग को बात वहां तक पहुंचाइए कि लोग मिलना चाहता है शांतिपूर्ण तरीका से, हम लोग मिल लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद फिर सर हम लोग आंदोलन चाहे हल्ला हुदा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग सिर्फ दो मिनट टाइम चाहिए, 2 से 4 मिनट हम लोग का टाइम खाली दिलवा दीजिए, 2 मिनट दीजिए सर, फिर हम लोग बातचीत कर लेंगे शांतिपूर्वक, अपना चले जाएंगे, बस हम लोग सिर्फ 2 मिनट मिलना है। 2 मिनट के लिए सर हम लोग को ये करवा, हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, 2 आदमी जाएंगे, हम लोग कोई नहीं जाने वाले। स्टूडेंटों की सत्यापन के लिए आया था लेटर नंबर